आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंपली बायोटेक में। और आज का हमारा टॉपिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक मेन टॉपिक भी कह सकते हैं या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है वो है ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टूल होता है जिसे हम कहते हैं बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्लास्ट पर पढ़ने से पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीक्वेंस अलाइनमेंट की, तो सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है? प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर मल्टीपल सीक्वेंस बाय सर्चिंग फोर सीरीज ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और पैटर्न्स दैट आर इन सेम ऑर्डर इन द सीक्वेंस। इसका मतलब है कि अगर हम दो डीएनए सीक्वेंस लें या एक ही सीक्वेंस लेते हैं डीएनए में, तो उसी पर्टिकुलर डीएनए में कितने सारे सीक्वेंस हम पाए जा सकते हैं, जिसे हम जीन्स भी कह रहे हैं। तो उन्हीं दो सीक्वेंस के कंपैरिजन में हेल्प करना या उस मेथड को कहते हैं हम सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस मतलब डीएनए का सीक्वेंस और अलाइनमेंट मतलब उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितना हाई ग्रेड वो सिमिलर है एक दूसरे से। तो हमें सीक्वेंस अलाइनमेंट दो तरीके से हो गया, एक होता है लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस, एक ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मतलब लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम वो लोकल रीजन फाइंड करते हैं जिसमें हाई ग्रेड ऑफ सिमिलैरिटी है। जैसे अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आपके घर में आपके मम्मी पापा ग्रैंडफादर भाई बहन सब रहते हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटी अगर है तो वो एक तरीके से कह सकते हैं वो लोकल सिमिलैरिटी। अगर आपके और आपके दूर के रिश्तेदार जो कहीं और रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं या इंडिया के किसी और पार्ट में रहते हैं, तो वो होता है ग्लोबली, मतलब ग्लोबली तौर पर किसी में सिमिलैरिटी फाइंड करना। वैसे ही डीएनए में, अगर डीएनए के आसपास के दो सीक्वेंसेस में अलाइनमेंट है आसपास के सीक्वेंसेस में अलाइनमेंट है, तो उसे कह रहे हैं लोकल अलाइनमेंट। पर बेसिक डिफरेंस यहाँ क्या है कि ग्लोबल अलाइनमेंट भी आसपास के में ही होता है, पर ग्लोबल अलाइनमेंट डीएनए सीक्वेंस के पूरे सीक्वेंस में कितना अलाइनमेंट है। जिसे अब ये बात कंफ्यूजिंग होगी थोड़ी कि नहीं समझ में आती है, कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए ये दो सीक्वेंस हैं, या कह सकते हैं ये ही डीएनए के आसपास के दो सीक्वेंसेस हैं, एक ये है एक ये, एक ही सिंगल स्ट्रैंड पे, इसलिए 5' 5' लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स नहीं है। तो एक ही सीक्वेंस के दो, एक ही सेगमेंट के दो सीक्वेंस हैं मान लीजिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो सीक्वेंसेस में कितनी सिमिलैरिटी है, वो है हमारा ग्लोबल अलाइनमेंट। पर अगर इन्हीं सीक्वेंस की बात करें, इसी सीक्वेंस में कुछ अमाउंट में सिमिलैरिटी देखना, तो वो होता है लोकल अलाइनमेंट। मतलब एंड टू एंड नहीं कर रहे, यहाँ से यहाँ तक का अलाइनमेंट कर रहे हैं, पर ग्लोबल अलाइनमेंट में हम इस एंड से लेकर इस एंड तक कितनी सिमिलैरिटी है उस सीक्वेंस में वो देखते हैं। अब भाई ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। मतलब ब्लास्ट क्या है, लोकल अलाइनमेंट है। मतलब ब्लास्ट ये वाला फंक्शन कैरी आउट करेगा कि डीएनए सीक्वेंसेस में थोड़े से सीक्वेंस में अलाइनमेंट देखना, तो ब्लास्ट का फंक्शन ये होगा। तो लोकल अलाइनमेंट के कुछ यूसेज हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है टू कंपेयर शॉर्ट सीक्वेंस टू अ लार्ज वन, सेम बात की शॉर्ट सीक्वेंस को लार्ज वन से कंपेयर कर रहे हैं। सिंगल सीक्वेंस को एंटायर डाटाबेस से, बिल्कुल सही बात है, एंटायर डाटाबेस है उससे कितना, एंटायर डाटाबेस आपके पास कितना है डीएनए का, उसके उससे कंपेयर कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर छोटे से सीक्वेंस को। कंपेयर पार्शियल सीक्वेंस, वही बात है कि होल सीक्वेंस हम छोटा सीक्वेंस कंपेयर कर रहे हैं। न्यू जीन्स, सही बात है, नए जीन्स डिस्कवर होते हैं पुराने जीन से कंपेयर करने में भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद गेस फंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम फुल ऑफ ओपन रीडिंग फ्रेम्स ऑफ नोन फंक्शन, मतलब एंटायर जीनोम का फंक्शन बता रहा है ऑफ ओपन रीडिंग फ्रेम्स ऑफ नोन फंक्शन, ये हमारे ओपन रीडिंग फ्रेम्स है जिनका हमें फंक्शन नोन नहीं है उसके बारे में हमें पढ़ा कि लोकल अलाइन
अलाइनमेंट होता क्या है या फिर हमने पढ़ा सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है। अब हम आ जाते हैं अपने ब्लास्ट के बारे में। ब्लास्ट इज व्हाट? ब्लास्ट इज बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। मतलब ये एक सर्च टूल है जो कि लोकल अलाइनमेंट का यूज कर रहा है और बहुत ईजी टू यूज है या कन्वीनियंट है, इसीलिए इसका नाम बेसिक है, इसे बेसिकली बेसिक कहा गया। उसके बाद ब्लास्ट क्या करता है? ब्लास्ट फाइंड्स अ रीजन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। बिल्कुल सही बात है कि बायोलॉजिकल सीक्वेंस में सिमिलैरिटी फाइंड करने में हेल्प करता है। और ये प्रोग्राम या ये एल्गोरिथम जो है ये कंपेयर भी करता है न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस को और कैलकुलेट्स द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। मतलब कि प्रोटीन सीक्वेंसेस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के बीच में कंपैरिजन करने का भी काम करता है। अब मान लीजिए आप दो चीज़ों को देख रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप सिमिलैरिटी डिफरेंसेस दोनों ही ऑब्जर्व करना चाहते हैं ना, तो वही ब्लास्ट का काम हेल्प कर रहा है। ब्लास्ट काम है या फिर वो हेल्प कर रहा है। इट इज़ एन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम फॉर कंपेयरिंग बायोलॉजिकल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन सच एज द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन और द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए आरएनए। अब हमें पता है हमारा डीएनए आरएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से, हमारा प्रोटीन सीक्वेंसेस बना है अमीनो एसिड सीक्वेंसेस से। तो जब प्रोटीन की बात कर रहे हैं या डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं तो हम न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड की भी बात कर ही रहे हैं, उसी की मदद से तो हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे। आप किसी भी मोनोमेरिक यूनिट से ही आप किसी का कंपैरिजन करते हो अगर आप, तो इनेबल करता है रिसर्चर को टू कंपेयर अ सब्जेक्ट प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉल्ड अ क्वेरी विद अ लाइब्रेरी और डेटाबेस ऑफ सीक्वेंसेस दैट रिजेंबल द क्वेरी सीक्वेंस अबव द सर्टेन थ्रेशोल्ड। मतलब ये प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कंपेयर कर रहा है पूरे डेटाबेस से। अब जिसको हमें कंपेयर करना है उसे हम क्वेरी सीक्वेंस कह रहे हैं और जो पूरा है उसे हम डेटाबेस सीक्वेंस कह रहे हैं जो कि क्वेरी सीक्वेंस के रिजेंबलिंग ही है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि ब्लास्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ह्यूमन और हमें प्लांट के डीएनए में सिमिलैरिटी फाइंड करें, नहीं, ह्यूमन के ही डीएनए के सीक्वेंसेस में आप सिमिलैरिटी फाइंड करेंगे, सेम है होना चाहिए, क्वेरी सीक्वेंस के ही सिमिलर होना चाहिए। अब अवर सर्टेन थ्रेशोल्ड मतलब ये एक्सपेक्टेड स्कोर होता है कि कितना सिमिलर है। थ्रेशोल्ड हम वही उसे ही कहते हैं जितना हमें एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ दो सीक्वेंस में इतनी सिमिलैरिटी आएगी। एक वैल्यू होती है हर किसी की डिफरेंट, जैसे ह्यूमन डीएनए में डिफरेंट होगी, प्लांट में डिफरेंट होगी, तो उसके अबव सर्टेन सीक्वेंस में जितना भी सिमिलैरिटी होगा कह सकते हैं वो हमारा थ्रेशोल्ड है। मतलब जितना भी हम सीक्वेंसेस में सिमिलैरिटी फाइंड कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेक्टेड है कि हाँ 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, वो हमारी थ्रेशोल्ड है। अब ब्लास्ट के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ब्लास्ट के टाइप्स 7 टाइप्स के ब्लास्ट होता है। 7 टाइप्स, सबसे पहला हो गया ब्लास्ट एन अपने आप से एन आ रहा है तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में कंपेरिजन कर रहा है। ब्लास्ट पी प्रोटीन और प्रोटीन में। ब्लास्ट एक्स न्यूक्लियोटाइड 6' ट्रांसलेशन प्रोटीन, मतलब यहाँ ट्रांसलेटेड प्रोटीन और डीएनए में। टी ब्लास्ट एन मतलब प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड 6' ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन और डीएनए में, वो डीएनए और प्रोटीन में था, ये प्रोटीन और डीएनए, मतलब यहाँ पर हम क्वेरी सीक्वेंस डीएनए ले रहे हैं तो डेटाबेस सीक्वेंस हमारा प्रोटीन है। मतलब एक छोटा डीएनए का सीक्वेंस हम कंपेयर कर रहे हैं विद लार्ज प्रोटीन सीक्वेंस, ऐसे ही यहाँ पर कि छोटा प्रोटीन का सीक्वेंस विद लार्ज डीएनए सीक्वेंस। टी ब्लास्ट एक्स हमारा डीएनए और डीएनए, मतलब दोनों ही न्यूक्लियोटाइड 6' ट्रांसलेशन, न्यूक्लियोटाइड 6' ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है डीएनए में, डीएनए ही डीएनए और डीएनए के साथ। अब क्वेरी सर्च मतलब क्वेरी हमने कितनी 36, 6, 6, 6, 1, 1, मतलब ये क्वेरी सर्च है कि हम एक्सपेक्ट करें कि कितनी हमें क्वेरी सर्च करनी है, एक करनी है, 6 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, अकॉर्डिंगली हम ब्लास्ट का यूज़ करते हैं। और फिर है PSI ब्लास्ट और मेगा ब्लास्ट। PSI मतलब पोजीशन स्पेसिफिक इंटरेटिव ब्लास्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कितना हमें, और मेगा ब्लास्ट लार्ज नंबर ऑफ इनपुट सीक्वेंस, हमने कितना इनपुट सीक्वेंस दिया है। मान लीजिए डीएनए के हमने 6 बेसिस दिए हैं या 7 दिए हैं, 8 दिए हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ इनपुट सीक्वेंस में, तो ये छोटा नंबर ले रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हमें कंपेयर करने होते हैं।
अब ये दो नोट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लास्ट एन और ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एन मतलब जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए डीएनए में, और ब्लास्ट पी मतलब प्रोटीन प्रोटीन में जो कंपेयर कर रहा था उसे हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। पर अगर हम टी ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एक्स और ब्लास्ट एक्स की बात करें तो ये बेटर हैं, वो कॉमनली यूज हैं, पर ये बेटर हैं तीन, क्योंकि ये जो बता रहे हैं मतलब प्रोटीन डीएनए में या डीएनए प्रोटीन में या ब्लास्ट एक्स की मदद से, अभी हमने पढ़ा था कि डीएनए और डीएनए में के न्यूक्लियोटाइड सिक्स न्यूक्लियोटाइड के फ्रेम में ये कंपेयर कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक्यूरेटली रिजल्ट हमें दे रहा है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर अब ट्रांसलेटेड प्रोटीन का डीएनए के साथ कंपेयर करना, ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना, या प्रोटीन का डीएनए के साथ कंपेयर करना अपने आप में कितनी अच्छी बात हो गई, या फिर डीएनए अब न्यूक्लियोटाइड सिक्स का जो वर्णन सिक्स का फ्रेम है वो उसके उसके बीच में कंपेयर करना, तो कितना एक्यूरेट और पोजिशनड हमें रिजल्ट मिलेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बेटर कंजर्व एवोल्यूशनरी रिजल्ट, बेटर कंजर्व है मतलब ज़्यादा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू ब्लास्ट एन एंड ब्लास्ट पी। अब ब्लास्ट का एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो हम ब्लास्ट के एल्गोरिथम की डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ कॉन्क्रीट स्टडी करनी है, हमें डेप्थ में भी नहीं जाना है। तो ब्लास्ट के एल्गोरिथम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है और वेब एक्सेबल, मतलब फास्ट है, एक्यूरेट है और वेब एक्सेसिबल है, मतलब कहीं भी एक्सेप्ट हो जाता है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। रिलेटिवली फास्टर देन अदर सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च टूल्स, मतलब दूसरे सर्च टूल से बहुत ज़्यादा फास्टर है। अब इसमें कुछ ये मल्टी स्टेप्स में होता है, इसके कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला तो टारगेट सीक्वेंस, अब ये बात नोट कर लीजिए कि ये टारगेट सीक्वेंस फास्टर सीक्वेंस होता है, बिना फास्टर सीक्वेंस के ब्लास्ट काम नहीं कर सकता, फास्टर सीक्वेंस। अब फास्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में हम केवल ब्लास्ट की बात करें, बस फास्टर सीक्वेंस समझ लीजिए कि फास्टर सीक्वेंस जो होता है वो इस साइन के आगे से जो भी सीक्वेंस हमें मिलता है हमारी एनसीबीआई से, ये पूरा वर्क हमारी एनसीबीआई से होता है, जिस सीक्वेंस के आगे ये हमें लेटर मिल जाए, नॉट लेटर आई एम सॉरी सिंबल मिल जाए, वो हमारा सीक्वेंस फास्टर सीक्वेंस होता है, और उसी के बेसिस पे ही हमारा ब्लास्ट रन होता है। दूसरा हमारा क्वेरी सीक्वेंस, जिसके बारे में हमें कंपेयर करना है। के वैल्यू होती है स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होती है, जो कि हमें ब्लास्ट का स्कोर हमें गैदर करने में हेल्प करती है। थ्रेशहोल्ड वैल्यू मैंने अभी बताया कि जितना हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। बिट स्कोर जो कि हमें आउटपुट वैल्यू होती है, और रॉ स्कोर जो कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है इन द टर्म्स ऑफ बिट्स, मतलब वन या टू जीरोज एंड वंस में, बाइनरी डिजिट्स में। अब आ जाते हैं हम ब्लास्ट के इनपुट आउटपुट पर। हम इनपुट ब्लास्ट को फास्टर सीक्वेंस, अभी मैंने बताया कि टारगेट सीक्वेंस या फिर क्वेरी सीक्वेंस भी हमारा फास्टर फॉर्मेट में होता है, या जीन बैंक फॉर्मेट में, कि जीन बैंक से हम अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ले रहे हैं। फास्टर सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, यही सीक्वेंस के आधार पर हम ब्लास्ट को रन कराते हैं। अब नॉर्मल सीक्वेंस हमें मिलेगा ही नहीं, हम फास्टर पे पहले रन कराएंगे, क्योंकि उसके अपने अलग पैरामीटर्स हैं जिस वजह से ब्लास्ट को फास्टर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो इनपुट में, इनपुट हम फास्टर सीक्वेंस या फिर जीन बैंक फॉर्मेट में देते हैं। आउटपुट हमें HTML, प्लेन टेक्स्ट, XML फॉर्मेटिंग इसमें मिलता है, और NCBI के वेब पेज में हमें HTML के फॉर्मेट में मिलता है। अब जिस किसी को भी HTML के बारे में या HTML की फुल फॉर्म भी पता है वो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज हमें भी खुशी होगी कि आपने हमारा लेक्चर सुना है, आपने मेरी वीडियो को देखा है पूरा ध्यान से। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि जिस किसी को भी HTML के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फंक्शंस, ब्लास्ट के फंक्शंस की अगर हम बात कर लें तो आइडेंटिफाइंग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में, डोमेन्स लोकेट करने में, इस्टैब्लिशिंग फाइलोजेनी को इस्टैब्लिश करने में, डीएनए मैपिंग और कंपैरिजन, ये इसके पांच मेजर फंक्शन हैं जो ब्लास्ट की मदद से हम कर लेते हैं। पढ़ा, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाते हैं कि भाई ब्लास्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्यों हैं, क्यों इतना नेसेसरी है, क्यों हम ब्लास्ट का यूज़ कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो
भाई किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे भी क्यों। तो इसलिए ये तीन ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है। मैंने जितना चॉक आउट किया है यही तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स मुझे दिखाई दिए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि इनेबल करता है रिसर्चर को कंपेयर करने का क्वेरी सीक्वेंस है डेटाबेस सीक्वेंस में, कि इनेबल्स रिसर्चर टू कंपेयर अ क्वेरी सीक्वेंस विद द लाइब्रेरी ऑफ डेटाबेस ऑफ सीक्वेंसेस, मतलब लार्ज डेटाबेसेस में जितने सीक्वेंसेस हैं उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। क्वेरी सीक्वेंस हमने अभी पढ़ा जिसके बारे में हम कंपेरिजन करना है। दूसरा है आइडेंटिफाई लाइब्रेरी सीक्वेंस दैट रिजेंबल क्वेरी सीक्वेंस अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। सर्टेन थ्रेशोल्ड के अबव हमें रिजल्ट चाहिए, हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, हमें और ज़्यादा सिमिलैरिटी चाहिए ना, और ज़्यादा उसमें हमें कंपेरिजन करने में की नीड है। अगर मान लीजिए वैल्यू थ्रेशोल्ड की वैल्यू 3 है पर सिमिलैरिटी हम चाहते हैं कि इस वैल्यू से ऊपर आए, या कोई भी हम रिजल्ट फाइंड करें तो एक्सपेक्टेशंस हमें ज़्यादा ही चाहिए होता है। इसीलिए लाइब्रेरी सीक्वेंस दैट रिजेंबल क्वेरी सीक्वेंस अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। लाइब्रेरी सीक्वेंस हमने डीएनए लाइब्रेरी हमने पढ़ी है अपने बायोटेक्नोलॉजी में, हमने जीनोमिक लाइब्रेरीज पढ़ी, तो वहाँ हमारे पास जीन के सेगमेंट्स हैं या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हमारे पास हैं, हमारे स्टोर्ड हैं, उनसे कंपेयर करना अपनी क्वेरी सीक्वेंस को जिसका हमें कंपेरिजन कराना है, और उस वैल्यू से अबव जो हमें एक्सपेक्टेड है कि हाँ शायद इतना आ सकता है, सिमिलैरिटी इतनी आ सकती है, कंपेरिजन इतना आ सकता है, ये बात सही है। और इसका अनुमान हम लगा सकते हैं ना कि एवोल्यूशन में इसका कितना बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि अब एवोल्यूशन में मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर कोई नया जीन आपने ढूंढा, अब उसको आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी ओल्ड पर्सन से जो वहीं रहता था, वहाँ कितना चेंजेस है, हमें कितनी चीज़ें पता चल जाएंगी, एवोल्यूशन में रोल है। अब जेनेटिक ट्रेड्स में कि मान लीजिए कंपेरिजन करना है कि क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डिफरेंस है जो जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है और जिसको नहीं है नॉर्मल, तो कंपेयर करने में। तीसरा है टू फाइंड हाई स्कोरिंग अनगैप सेगमेंट्स अमंग रिलेटेड सीक्वेंस। अब ये बड़ा ये जो अनगैप सेगमेंट लिखा ना इसके बारे में ज़रा थोड़ा पता होना चाहिए कि क्यों यहाँ ये अनगैप लिखा क्यों है। अब मान लीजिए ये कोई सीक्वेंस है GATC, मान लीजिए ये से अब ATC ले लीजिए यहाँ पर कुछ भी ATC, ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, बाकी ये सिमिलर है, यहाँ गैप हो गए, ये है गैप्ड सीक्वेंस और ये है अनगैप्ड सीक्वेंस, मतलब जहाँ सिमिलैरिटी है वो है अनगैप्ड सीक्वेंस और जहाँ सिमिलैरिटी नहीं है वो है गैप्ड सीक्वेंस। तो हमें वो रीजन चाहिए जहाँ अनगैप्ड सीक्वेंस हो, हमें वो रीजन नहीं चाहिए जो गैप्ड हो, जो सिमिलर ना हो, हमें वो चाहिए ना जो सिमिलर हो, हम तो सिमिलैरिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए ताकि हम हाई स्कोरिंग मतलब जहाँ जिसका स्कोर ज़्यादा हो, अभी हम बिट स्कोर पीछे मैंने टर्म यूज़ किया था कि बिट स्कोर वो स्कोर होता है जो कि ब्लास्ट का हमें आउटपुट फॉर्मेट मिलता है, तो हमें वो स्कोर चाहिए जो कि अनगैप्ड सेगमेंट हो, मतलब जहाँ सिमिलैरिटी ज़्यादा हो। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है, सही बात है कि ब्लास्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अनगैप्ड सीक्वेंस चाहिए, हमें गैप्ड सीक्वेंस नहीं चाहिए। तो अब हम समअप कर लेते हैं, हमने ये ऑल ओवर था ब्लास्ट के बारे में, अब हम समअप कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, दो तरीके का होता है, लोकल अलाइनमेंट ग्लोबल अलाइनमेंट, फिर हमने ब्लास्ट के पॉइंट्स पढ़े, हमने उसके टाइप्स कवर अप किए, हमने उसका इनपुट आउटपुट पढ़ा और हमने ब्लास्ट के एल्गोरिथम के बारे में भी बात करी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, हमने फंक्शंस के बारे में ब्लास्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट समअप है ये एक ब्लास्ट का, जो कि आपके आंसर्स के लिए आपको समझने के लिए कि ब्लास्ट एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे तो आप किसी भी डिटेल्ड पर वर्क कर सकते हैं, जब आपको ब्लास्ट के बारे में ही अभी कुछ नहीं पता तो आप उसके एल्गोरिथम को कैसे रन कराओगे कंप्यूटर पे, कैसे काम करोगे, तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, तो प्लीज़ इसे कन्फ्यूज ना हो, ये केवल एक थ्योरेटिकल अप्रोच है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए माइंड में कि ब्लास्ट एक्चुअली में है क्या। तो थैंक यू वेरी वेरी मच,
आपने इतना पेशेंटली मेरी वीडियो को सुना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. थैंक यू.